Basically, in 21st century, there are two types of businesses. The first one is online businesses and the second one is offline businesses. और अभी तक के लिए online business एक modern business structure है. आपको मैं ये बता दूँ, Amazon.com जो कि एक e-commerce company है, 2019 में उसका revenue था $280 billion. और General Motors जो कि एक renowned automaker company है, उसका revenue था $137 billion. और आपको मैं ये भी बता दूँ, 1990 में world का सबसे ज़्यादा revenue generate करने वाला company और कोई नहीं, General Motors ही था. तो गाइस, ये चेंजेस क्यों? कैसे एक ऑनलाइन कंपनी जिसका कोई प्राइवेट प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है, जो मैं 26 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुआ है, वो कैसे एक 112 साल पुराना कंपनी को कैसे पीछे छोड़ दिया? इसका आंसर जानेंगे आज के इस वीडियो में, व्हाई ऑनलाइन बिजनेसेस आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज, इसका आंसर है प्रिविलेजेस. ऑनलाइन बिजनेसेस के पास कुछ ऐसे प्रिविलेजेस होते हैं जिसको ऑफलाइन बिजनेसेस एंजॉय नहीं कर पाते. इसलिए आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस एंड ऑनलाइन स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे इन कंपैरिजन टू द ऑफलाइन बिजनेस और द मैनुअल बिजनेसेस. तो गाइज, आप चलिए नज़र डाल लेते हैं इस डायग्राम के ऊपर जिसमें मैंने कुछ प्रिविलेजेस को इंजेक्ट किया हुआ है, और वन बाय वन हम लोग इनको एलैबोरेट करेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे ऑनलाइन बिजनेसेस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर इतना ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं. तो गाइस, नंबर वन में आता है ग्लोबल एक्सेस. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबल एक्सेस. सिंपल वर्ड्स में ग्लोबल एक्सेस का मतलब है वर्ल्ड वाइड. अगर आपके पास एक ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रक्चर है या फिर आपके पास एक ऑनलाइन बिजनेस कॉन्सेप्ट या फिर एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म है, तो आपके पास वर्ल्ड वाइड बिजनेस चलाने का कैपेबिलिटी हो जाता है थैंक्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेबसाइट. नाउ लुक एट द Amazon.com, इट इज़ नथिंग बट ए वेबसाइट. ना ही इसके पास कोई प्राइवेट प्रोडक्शन फैसिलिटी है और ना ही ये अपना चीज़ों को या फिर अपना कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, फिर भी ये वर्ल्ड का आज एक लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी है. तो इसका जो क्रेडिट जाता है, ये जाता है वेबसाइट को. एक्चुअली वेबसाइट एक ऐसा चीज़ है जिसको दुनिया में कहीं से भी कोई भी देख सकता है बाय सिंपली टाइपिंग द नेम ऑफ योर वेबसाइट ऑन द गूगल, व्हिच इज ए सर्च इंजन, जिसके वजह से ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बन जाता है और कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो सर्विस है आपको देख सकता है. और वेबसाइट ही मेन चीज़ है एक ऑनलाइन बिजनेसेस का. आप ये भी बोल सकते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस ज़्यादा डिपेंड करते हैं, 95% डिपेंड करते हैं एक वेबसाइट के ऊपर. अब गाइस, दूसरा नंबर पे आता है फ्लेक्सिबल कस्टमर सपोर्ट. वी ऑल नो कस्टमर इज नोन एज द किंग ऑफ द मार्केट. जिस बिजनेस का कस्टमर के साथ रिलेशन जितना अच्छा रहेगा, उस बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा. तो गाइस, इसके लिए बहुत सारे बिजनेसेस करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं ताकि उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा ज़्यादा रहे. अगर हम लोग बात करेंगे कि कस्टमर सपोर्ट का जो स्कोप है एक ऑफलाइन बिजनेस या फिर एक मैनुअल बिजनेस में कैसा है, तो वो बहुत ही लिमिटेड है. एज एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक मैनुअल बिजनेस है, तो आप अपना कस्टमर को सपोर्ट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे? एक छोटा सा कस्टमर सेंटर बनाएंगे, या तो आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा या तो कस्टमर को आपके पास जाना पड़ेगा. आपका एक आपका कस्टमर के साथ कोई वर्चुअल कनेक्शन नहीं रहेगा, बल्कि एक फिजिकल कनेक्शन रहेगा. लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के जरिए आप अपना कस्टमर के साथ 24/7 जुड़े रह सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द वर्चुअल कनेक्शन. एज एन एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर को सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं. जैसे आप ले लीजिए 24/7 कस्टमर सपोर्ट हो गया, ईमेल सपोर्ट हो गया, वर्चुअल असिस्टेंस हो गया. और ये बहुत ही चीप भी होते हैं, टाइम एफिशिएंट भी होते हैं. इनके जरिए आप अपना कस्टमर को ज़्यादा बेहतर सर्विस दे पाएंगे, ज़्यादा बेहतर सपोर्ट दे पाएंगे, जिससे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा रहेगा और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. गाइस, अब चलिए बात करते हैं फोर्थ प्रिविलेज का बारे में, जिसका नाम है एनहांस्ड प्रमोशनल स्ट्रैटेजी. वी ऑल नो द क्लिशे, गुड प्रमोशन मींस गुड सेल्स. जितना ज़्यादा अच्छा आपका प्रमोशनल स्ट्रैटेजी रहेगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट मेकिंग पावर या फिर प्रॉफिट मेकिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा. लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे एक ऑनलाइन बिजनेस का प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज और एक ऑफलाइन बिजनेस का प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज के अंदर, तो आपको हेवन एंड हेल का डिफरेंस पता चल जाएगा. तो गाइस, अगर आपके पास एक ऑफलाइन बिजनेस है या फिर आपके पास एक मैनुअल बिजनेस है, तो आप अपना प्रोडक्ट या फिर आप अपना सर्विस का प्रमोशन किस वे पे कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रमोशन या फिर पैम्पलेट्स हो गया, बिलबोर्ड्स हो गया. लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये उतना एफिशिएंट नहीं है. मतलब ये लेस एफिशिएंट है और ज़्यादा एक्सपेंसिव है. लेकिन इन द अदर हैंड, आप अगर बात करेंगे एक ऑनलाइन बिजनेस का प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज के बारे में, तो आपको नज़र आएगा ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग,
सोशल मीडिया प्रमोशन जो कि एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, क्योंकि आपको तो पता है वर्ल्ड में शायद 50% या 60% लोगों के पास सोशल मीडिया एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस है, तो वो इजीली आपका प्रोडक्ट या फिर आपका सर्विस को जान पाएंगे या फिर कोरिलेट कर पाएंगे खुद को अपना आपका प्रोडक्ट या फिर आपका सर्विस के साथ, अगर आप सोशल मीडिया प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। और सोशल मीडिया प्रमोशनल स्ट्रैटेजी को अपनाने के लिए आपको आपका बिजनेस को ऑफलाइन से शिफ्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन को। गाइस अब चलिए बात करते हैं हमारा फाइनल प्रिविलेज का बारे में, जिसका नाम है कॉस्ट एफिशिएंट। वी ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट कॉस्ट इज फॉर द रनिंग ऑफ योर बिजनेस। एक बिजनेस को रन करने के लिए पैसों का लगना बहुत ही जरूरी है या फिर पैसों का इन्वेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। कुछ को हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और कुछ को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, लेकिन कॉस्ट जो है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस ओन करते हो तो। गाइस इसको मैं समझाऊंगा एक डायग्राम के जरिए, जिस पे हम लोग ये जानेंगे कि कैसे अगर आप अपना बिजनेस को मैनुअल से शिफ्ट करते हैं ऑनलाइन बिजनेस को तो आप किस टाइप्स के कॉस्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए नज़र डालते हैं इस डायग्राम के ऊपर। सो गाइज द फर्स्ट बेनिफिट इज नो बिग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं। सेकेंड वन लो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, थर्ड वन नो फिजिकल स्टोर कॉस्ट, एंड फोर्थ वन लेस एम्प्लॉई, क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉई का जरूरत नहीं। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना ओपिनियन शेयर करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आगे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या फिर इंटरेस्टिंग वीडियोस के स्टडीज वगैरह लेके आऊँगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।